पाकिस्तान में हड़कंप है इस वक्त। 5 बड़े शहरों के एयरपोर्ट बंद कर दिए और पाकिस्तान के एयर स्पेस पर भी विमान सेवाओं पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान लेकिन लगातार झूठ पर झूठ परोस रहा है और उसके झूठ तस्वीरों के साथ वीडियो के साथ एक्सपोज भी हो रहे हैं। बड़गाम में उसने दावा किया कि भारत का जहाज मार गिरा है, वो हेलीकॉप्टर निकला जो कि कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी नहीं था और वो एक टेक्निकल फेलियर की वजह से क्रैश हुआ। पाकिस्तानी मीडिया बढ़ चढ़कर शायद उनकी सेना उनको प्रोवाइड करा रही है, कुछ फुटेज चला रहे हैं 2016 और 18 की, ये बता करके कि वो आज की कार्रवाई में मारे गए हैं। 2016 में जोधपुर में एक MiG-27 मार गिराया गया था, उसकी तस्वीर दिखा करके बोल रहे हैं कि उनकी बहादुर वायुसेना ने आज कार्रवाई कर दी। जोधपुर डेजर्ट का इलाका है, लड़ाई हो रही है पीओके के और हमारे देश पहाड़ पर लड़ाई, पहाड़ पर लड़ाई हो रही है और डेजर्ट की पिक्चर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान सदा ही झूठ का सहारा लिया है। अभी की जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान में पूरी हताशा है। इनफैक्ट हमने देखा कि किस प्रकार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनके एयरफोर्स के चीफ को लताड़ा है। इनफैक्ट ये कल की ही बात है कि पाकिस्तान आर्मी ने बोला है कि पाकिस्तान एयरफोर्स सो रही थी। इनफैक्ट एक स्ट्रेटेजिक स्कैनिंग का इलाका में जब हम स्ट्रेटेजिक इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और कंपैरेटिवनेस देखते हैं तो ऐसा सोचा जाता था कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस काबिलियत बहुत अच्छी है, लेकिन कल हिस्टोरिक डे में पता लग गया कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस किस हालत में है। इनफैक्ट ये जो जरूरत की है आज सुबह करने की, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। इनफैक्ट क्यों पाकिस्तान ये नहीं समझता है कि ये जो उसने टेरर, प्रॉक्सी वॉर और जो जिहादी फंडामेंटलिज्म एक्सट्रीमिज्म का जो रास्ता अपनाया है उसका फल है कि आज उसको सजा भुगतनी पड़ रही है टेररिस्ट के उस क्षेत्र के अंदर में जी। इनफैक्ट भारत ने बहुत क्लियर बोला है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था और ये जहां जहां पर भी टेररिस्ट के टारगेट है वहां वहां किया है। ये लड़ाई टेररिज्म प्रॉक्सी वॉर के ऊपर में है। ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए और जो रास्ता अपनाया है उसने इतने सालों से, ये समय है। उनका पूरा देश उनकी पाकिस्तान आर्मी को बोल रहा है, उनके ISI को बोल रहा है और हर एक टेररिस्ट ग्रुप को बोल रहा है कि समझो, समझो कि क्या करना है। और अब भी नहीं समझा तो आगे क्या होगा कम से कम एक बार। लेकिन एक खबर आपको हम फिर से दे दें कि पीओके में पाकिस्तानी विमान को आज भारत की वायुसेना ने मार गिराया। प्लेन गिरते वक्त पैराशूट खुला हुआ नजर भी आया, यह भी खबर है। और LOC से 3 किलोमीटर की दूरी पर जब यह आ गया था जो कि भारत के एयर स्पेस में आता है, तब भारत की वायुसेना ने एक्शन लिया। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। टिकू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता था, एक खबर आपने अभी भी दिखाई कि जैश मोहम्मद के चीफ पाकिस्तान के वजीर अजम से बहुत नाराज हैं। देखिए मैं आपको जैश का जो एक तरीका है, जैश कुछ हद तक एक वो ऑटोनोमस काम भी कभी कभी उन्होंने किया, बल्कि 2 बार उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ जब वो प्रेसिडेंट थे उनको मारने की कोशिश करी। तो जैश का पाकिस्तान के इदारों में, पाकिस्तान की सोसाइटी में कितना बड़ा एक महत्व है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ही सुना रहे हैं और इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान में आर्मी और जैश मोहम्मद ने अपना हाथ मिला लिया प्राइम मिनिस्टर के बरखिलाफ, तो आप देखेंगे पाकिस्तान में खूब उथल पुथल होने वाली है। पहली बात यह। दूसरा, अगर जैश के दिमाग में ये बात आ गई कि पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने कोई कदम नहीं उठाए उनका इतना बड़ा नुकसान होने से बचाने के लिए, तो जैश जो है एक रोग आतंकवादी संगठन का रुख ले सकती है और पाकिस्तान के लिए ही वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। हमें लगता है कि हमें इसके ऊपर भी एक नजर रखनी चाहिए। जो जो जिहादी तंजीम अपने राष्ट्रपति को असैसिनेट करने के लिए विस्फोट करा सकती है उनके काफिले पर और उसके बाद भी बनी हुई है वहां पर, बनी हुई है, तो वो आप यह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस किस्म का स्टेट है। लेकिन फिर एक बार बता दें, इस वक्त हालात जो है वो तनावपूर्ण है, लेकिन भारत में ये इस वक्त पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हो या फिर हमारी सेनाएं हो, हर व्यक्ति पूरी तरीके से सजग है और एक ही संदेश है सबके लिए कि किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
जो भी जहां पर भी इंतजाम है पुख्ता है मजबूत है और हमारी फोर्सेस किसी भी किस्म के जवाब को देने के लिए तैयार है। और जो आज दिया गया है पाकिस्तान की एयरफोर्स को, जैसे ही उसने भारत की एयर स्पेस में घुसने की दाखिल करने होने की कोशिश की, उनका एक F-16 जहाज मार गिराया गया है। बहुत सी झूठी खबरों का अंबार इस वक्त खास तौर पर सोशल मीडिया पर लगा हुआ है, आपको उससे बचने की जरूरत है। इस वक्त एक ही खबर है, वो ये पाकिस्तान के 4 जहाजों ने भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने की कोशिश की 10 से 10:15 बजे के बीच, और उनको भारत के कॉम्बैट एयर पेट्रोल ने चैलेंज किया। जब उन्होंने कोई हिमाकत करने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उनके एक जहाज को मार गिराया। यही है आज की असलियत, आज की हकीकत। मनीष प्रसाद हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, और इस खबर को सबसे पहले उन्होंने आपको बताया था, और इस खबर के आसपास जितने झूठ थे उसको भी उन्होंने दरकिनार किया था। मनीष, अभी आपके सोर्सेज और क्या बता रहे हैं, इस वक्त शांति है LOC पर? सर सौरभ, शांति नहीं, और ये आप ये कह लीजिए कि ये वो खामोशी है जिसके लिए पाकिस्तान पूरी तरीके से जिम्मेवार है। जो टॉप सोर्सेज हैं भारतीय वायुसेना के, वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के जितने भी एयरबेस हैं, इस समय भारतीय वायुसेना ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ उसे एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इनपुट हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान ये मान के चल रहा है कि अगला टारगेट मुरीद के और बहावलपुर में भारतीय वायुसेना का हो सकता है, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर में है और मुरीद के में लश्कर ए तोयबा का मेन कमांडर है और वो आतंकी अड्डा है। तो इसीलिए पूरी कवायद चल रही है, साई ऑफ चल रहा है, और पाकिस्तान की साइबर टीम जो है इस समय पूरी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाने में लग गई है। और एक बार फिर से आपको स्पेसिफिक ये जानकारी दे दें कि भारतीय वायुसेना के एयर बेसेस खासतौर पे जम्मू कश्मीर में, राजस्थान, पंजाब और जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वो पूरी तरीके से एक्टिवेटेड और हाई अलर्ट है, और इसी की जानकारी इस समय एयर चीफ ने NSA और साथ में प्रधानमंत्री को दी है। जो टॉप सोर्सेस हैं वो इस बात को भी बता रहे हैं, जिस तरीके से कॉम्बैट एयर पेट्रोल की आड़ में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने इस बॉम्ब को एक्सप्लोड करते हुए भारतीय फॉरवर्ड लोकेशंस के पास की जो राजौरी और नौशेरा के बीच का एक आर्मी लोकेशन था, उसको टारगेट करते हुए करीबन 500 मीटर पीछे की तरफ बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, उसके बाद से सिचुएशन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो पूरी कार्रवाई की जाएगी और अच्छे तरीके से सटीक निशानों के साथ कार्रवाई की जाएगी। ये कहा गया है कि किसी भी सिविल पॉपुलेशन या सिविल डेंसिटी एरिया में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। नॉन मिलिट्री ऑपरेशन आतंकियों के अड्डे पे किया गया था, लेकिन अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स, जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल पाकिस्तानी एयरफोर्स के मुजाहिद और साथ में वाइस चीफ आमिर को बोला गया है, अगर वो कुछ भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो 21 एयरबेस हैं वहां पर अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको डिप्लॉय किया है। तो ये एक तरीके से साइलेंट जो प्रॉक्सी वॉर चल रही थी वो साइलेंट एक रणनीति के साथ भारतीय एजेंसीज साथ में फोर्सेस और डिप्लोमेटिक चैनल के साथ इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान एक्ट करता है। ये कहा गया है टॉप सोर्सेज के द्वारा कि हम किसी भी हालत में, सौरभ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताना जरूरी है कि हम किसी भी हालत में फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई भी मिसएडवेंचर करता है तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्श मैसेज है डिफेंस सोर्सेज के द्वारा, जो कहा गया है कि चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो, अगर पाकिस्तान कहीं से भी मिसएडवेंचर करने की कोशिश करता है, फर्स्ट अटैक पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन अगर वो करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए बार बार सोशल मीडिया पे भी अपील की जा रही है कि प्रोपेगेंडा के तहत कोई भी ना फंसे। सर्कुलर जो वीडियोस पाकिस्तान की हैंडल्स और जो अलग अलग ट्विटर आईडीज फॉरवर्ड कर रही हैं उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करें। सौरभ अभी तक ये काम मनीष हमारा भी है और इस काम को हम लोग करते रहेंगे, लगातार पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते रहेंगे। एक वीडियो मैं इस वक्त देख रहा हूं अपने फोन पर, पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े जिनकी लाखों में फॉलोइंग है ट्विटर के ऊपर, वो सूर्य किरण विमान जो हमारा क्रैश हुआ था अभी थोड़े दिनों पहले बैंगलोर एयर शो के दौरान, उसमें एक पायलट जो जख्मी हुए थे उनकी तस्वीर, उनका वीडियो दिखा करके बता रहे हैं कि ये भारत के वो दूसरे पायलट है, जिंदा पायलट है जिनको POK में पकड़ा गया है। तो ये तो हालत है वहां के पढ़े लिखे लोगों की और जिनका जिनको एजुकेट करना है। और
इस वीडियो में लोग कन्नड़ भाषा में बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं, तब भी वो इसको ट्वीट कर रहे हैं। बहरहाल तो ये एक्चुअली सरोज जी, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है और मीडिया जो छोटी एक पढ़ी लिखी एलीट है वहाँ पर, वो अपने देशवासियों को कितना बेवकूफ़ मानते हैं।